स्पीकर साहब, पंजाब दे लोकां ने आम आदमी पार्टी विच भारी विश्वास अते भरोसा जताया है। इस बार लोकां ने सिस्टम दे बदलाव लई वोटां पाईआं हन। आम आदमी पार्टी नूं 117 चों 92 सीटां दे बेमिसाल बहुमत लई मैं सरकार वल्लों सारे पंजाब वासियां दा धन्नवाद करदा हाँ। साडे माणयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई वाली सरकार रंगला पंजाब सिरजण का वादा करती है, जो आर्थिक खुशहाली, समाजिक विकास और सर्बसांझी बालता का प्रतीक होगा। असी राज विच भ्रिष्टाचार माफिया राज नूं खत्म करना और कानून के राज की स्थापना करने लिए अपनी वचनबद्धता प्रति दृढ़ हाँ। मानजोग स्पीकर साहब, पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों समझिया और जाणिया कि यह पार्टी सिर्फ गल्लां विच विश्वास नहीं रखती, सगों इसने गरंटी के रूप में अपना संकल्प सामने रखिया। पंजाब के लोग मानयोग मुख्यमंत्री दिल्ली राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई हेठ एक चलते सफल और प्रभावशाली दिल्ली मॉडल तो प्रभावित हुए। इसलिए असी उस तरह पहलकदमियों पंजाब में दोहराते हुए पंजाब में खुशहाल सूबा बनावांगे, जिस ते आने वाली पीढ़ियों को नाज होगा। मानयोग स्पीकर साहब, इस इतिहासक जित ने साडे अंदर कुछ कर विखाउण अते सेवा भावना की डूंगी प्रेरणा पैदा की है। साडे महान गुरु साहिबान की प्रेरणा सदका शहीद आजम सरदार भगत सिंह, जिन्होंने केवल 23 साल की उम्र के स्वतंत्र भारत का सुपना देखिया अते उस वास्ते अपनी जान स्पीकर साहब कुर्बान की, तो प्रेरित होते हुए अते डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हां दा स्वतंत्र अते लोकतंत्रिक भारत का सुपना साडे संविधान विच स्पष्ट तौर पर चलकदा है, जीवन तो सीध लैंदियां मैं इस बजट राही साडी सरकार दी भलाई अते विकास पहलकदमियां दा एक रोड मैप पेश करना चाहुंदा हाँ, करन जा रहा हाँ। मैनू इह दसदे हुए खुशी हो रही है कि साडी सरकार ने सिर्फ 100 दिनां दे अंदर बहुत थोड़े समय अंदर बहुत सारे उपराले कीते अते अजिहे फैसले लए जिन्हां ने पंजाबियां दे जीवन ते सकारात्मक प्रभाव पाया। मानयोग स्पीकर साहब, आम आदमी पार्टी सरकार सज्जे शासन का एक शानदार रोडल मॉडल विकसित करेगी, एक साफ सुथरे कुशल अते प्रभावी प्रशासन का वादा करती है। साडा गुड गवर्नेंस का मॉडल भागीदार अते जवाबदेह होगा अते समानता समावेश इनकलूसिव नूं यकीनी बनावेगा। मैं अपनी सरकार वल्लों वादा करदा हाँ कि जदों पंजाब अगे वधेगा तां पंजाब दा कोई भी वर्ग या कोई भी खेत्र पिछे नहीं रहेगा। मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की सुचज्जी अते गतिशील अगवाई हेठ साडी सरकार भ्रिष्टाचार लई जीरो टॉलरेंस रखती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का स्पीकर साहब जन्म ही भ्रिष्टाचार के खिलाफ होया है। आम आदमी पार्टी की स्थापना अरविंद केजरीवाल जी ने एंटी करप्शन मूवमेंट चो की है, सो उस दृढ़ इरादे के उत्ते आम आदमी पार्टी अज भी कायम है। आम नागरिकां लई सर इस तहत भ्रिष्टाचार विरोधी एक्शन लैन की शुरुआत की गई सी, जिस दे सदका भ्रिष्ट नेता भ्रिष्ट अफसर अफसरां के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पंजाब के लोग इन्हां भ्रिष्टाचारियों के खिलाफ अपनियां शिकायतां दर्ज करवा रहे हैं। समुचे संसार ने देखिया मानयोग स्पीकर साहब कि साडे मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने भ्रिष्टाचारी के दोषी अपने ही कैबिनेट मंत्री नूं बिना किसी देरी दे हटाया अते कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की। हुण तक मानयोग स्पीकर साहब 28 मुकदमे भ्रिष्टाचारियों के खिलाफ दर्ज होए और 45 लोगों को भ्रिष्टाचार जेल दी सलाखां के पिछे बंद किया गया। भ्रिष्टाचार उन्हां द्वारा दरपेश किसी भी दुर्व्यवहार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करने लई मैं हर पंजाबी नूं अपील करता हाँ कि वह भ्रिष्टाचार मुक्त अते माफिया राज मुक्त पंजाब सिरजण लई पंजाब सरकार दे मोढे नाल मोढा ला के खड़न। मानयोग स्पीकर साहब, इमारके वाली गल है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने सरकार बनने के कुछ दिनों के अंदर ही अपने कई चोण वादे पूरे किए हैं। पुरानियां सरकारां अपना समा पुगण तो मानयोग स्पीकर साहब जदों पुरानियां सरकारां जिहड़ियां भी पार्टी ने हुण तक रहियां ने
जो समा पुगन नेड़े आ जाता सीगा, जो 6 महीने 4 महीने रह जाते सीगे, तो उस समय ये थोड़िया बहुत आसामिया थोड़े बहुते रुजगार के साधन पंजाब के लोगों के अगे रखते सी, पंजाब के नौजवानों के अगे रखते सी। पर लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने आउंदिया पहले दो महीनों के 26,454 मुलाजमत ने भी भर्ती प्रवानगी दी है बंद। ये बहुत ही वड्डी गल, नहीं तो तुहानू भी पता है क्योंकि जिन्नियां भी भर्तियां होंदियां सीगियां वह सारिया की होंदियां सी किसी ना किसी कानूनी प्रक्रिया का किसी कानूनी अड़चण का शिकार होकर अद्ध बाटे दम तोड़ जांदियां सी। पर लेकिन सरदार भगवंत सिंह मान जी ने फैसला किया कि इस बार पहले साल दौरान जिन्नियां भी पोस्टा खाली ने वह 100% भरिया जाएगियां। माननीय स्पीकर साहब, इस तरह अगली प्रक्रिया या कि इस तो अलावा सरकार ने जिहड़े मुलाजम 36,000 ठेके ते रखे मुलाजम 36,000 जे ठेके ते रखे हुए मुलाजम सी, माननीय स्पीकर साहब उन्होंने पूर्ण उन्होंने रैगूलर करन दा एक महत्वपूर्ण फैसला पंजाब के नौजवानों के हक में लिया है। माननीय स्पीकर साहब, साडी सरकार पंजाब के नौजवानों को सब तो वध तरजीह दिंदी है, इन्हां दी समर्था तो चंगी तरह जाणू है। असी कनेडा आस्ट्रेलिया वर्गे देशों वल ब्रेन ड्रेन नूं रोकण अते पंजाब दे अंदर ही रुजगार के मौकों लिए वसीले पैदा करन ले एक सुखाला माहौल पैदा करन दा बीड़ा चुकिया है। माननीय स्पीकर साहब, आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली गरंटी नूं पूरा कर दिया। एक मिनट, एक माननीय स्पीकर साहब, चीमा जी एक मिनट, माननीय जी खैरा साहब गल ये कि तुसी सानूं पेपरलैस बजट प्रेजेंटेशन दे करके तुसी सानूं इत्थे QR कोड प्रोवाइड किया जी, नाल तुसी वाईफाई दा भी तुसी पासवर्ड प्रोवाइड किया एंड असी डाउनलोड करके वाईफाई चला लिया वा सब ने मेंबर्स ने शायद अपने पासवर्ड भर के। लेकिन ये बजट की जी पंजाब बजट की ऐप है जी वो ऐप स्टोर तो डाउनलोड होनी है जी, वो डाउनलोड नहीं हो रही। हुण दिस इज वॉट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग अ पेपरलैस बजट इफ यू डोंट, नहीं हो रही, आ जाओ तुसी कर दो जी, इस तरह करो करा दो ना जी, फिर तुसी डोंट हैव एनीथिंग तुहाडी हर गल ते यार क्यों टोक दो बगैर गल्लो। चलो एक मिनट, जब साडे को इनफॉरमेशन ही है नहीं की हाउ विल वी नो व्हाट इज सेड, तुहानू वखरा एक मिनट जी खैरा साहब, यू आर गेटिंग द पेपर वर्जन ऑफ द बजट, ठीक है जी, और तुसी पढ़ो और उन्नी देर दे मीन वाइल तुहाडा जिहड़ा फोन है वह तुसी सपोर्ट्स बार दे, जे तुसी चाहुंदे हो कि ऐप ते पढ़ना ते नहीं ओ करवा दिंदे आ, ओ असी करवा दिंदे आ, कोई गल नहीं। मैं सारे माणयोग मैंबर साहबान दी भावनावां दा ख्याल रखना सी, हुण ठीक है जी, इधर नहीं हुई उधर होगी, ठीक है। चलो जी मानयोग जी, जी मानयोग स्पीकर साहब, आम आदमी पार्टी ने मानयोग स्पीकर साहब, आम आदमी पार्टी ने होगी जी, साडे कौमी कन्वीनर बाजवा साहब दे होगी, पंजाब दे मुख मंत्री जी सरदार भगवंत सिंह मान जी ने सब तो पहला इलेक्शन दे दौरान पंजाब दे हरेक घर दे नाल वादा कीता सीगा 300 यूनिट मुफ्त बिजली देण दा। ये वादा 1 जुलाई 2022 तो 22 तो लागू हो रहा पंजाब, यानी बजट खत्म होने तो बाद 300 यूनिट हरेक परिवार नूं पंजाब दे नूं घरेलू उत्पादन घरेलू जिहड़ा हैगा उहदी खपत आ उहदे ते मुफ्त दित्ते जाणगे। बहुत ही वड्डा वादा जिहड़ा सीगा वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने सरदार भगवंत सिंह मान ने पंजाबियों नाल कीता सीगा वो अज पूरा हो रहा। इसलिए मैं इस अजीम सदन नूं यह यकीन दिवाउंदा हाँ कि असी इस स्कीम दे लई वित्तीय सहायता देण दा पंजाब सरकार ने प्रबंध कर लिया सर। माननीय स्पीकर साहब, असी भरोसा दिवाउंदे हाँ कि असी सरकारी खजाने का एक एक पैसा सिर्फ अते सिर्फ लोगों की भलाई ते खर्च करांगे। इस फलसफे तो सीध लेंदे हुए साडे मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने एक विधायक एक पेंशन की शुरुआत की है। इस तो पहला बहुत सारे विधायक सबका विधायक एक तो बाद बहुत सारिया पेंशन लेंदे होंदे सी सर, और इस फैसले दे नाल पंजाब की जनता का लगभग 19,53,00,000 रुपया सालाना जी बचत होगी सर पंजाब के लोगों। माननीय स्पीकर साहब,
आज दे दिन मैं डिजिटल रूप में बजट पेश करने की इजाजत देने लई मैं तुहाडा दिलों धन्यवाद करता हाँ। मेरा भाषण पूरा होने तो बाद बजट के दस बजट के सारे दस्तावेज मोबाइल ऐप से उपलब्ध हो जाएंगे। इस पहलकदमी मानयोग स्पीकर साहब 21 लाख रुपया सालाना बचत होगी। इस तो अलावा महत्वपूर्ण गल यह कि सर लगभग 800 तो वध रुखां नूं कट्टण तो बचाया जा सकेगा। एक कदम वातावरण साफ रखने लई एक नींह पत्थर साबित होगा। मानयोग स्पीकर साहब सरदार भगवंत सिंह मान जी साडे मानयोग मुख्यमंत्री साहब अते आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी के फलसफे का झलकारा है। यह दोहां का मनना है कि जनता की आवाज सुने बिना अजनता की आवाज सुने बिना दी गई जनतक नीति का असफल होना तय है। कोई भी नीति जड़ी जनता तो पिछे बिना सुने बनाई गई हुई है वह सफल होना तय है। और इस तरह पंजाब सरकार ने अपना पहला बजट तैयार करदिया पंजाब के आम लोगों बड़े पद्धर से सलाह मशवरा किया। बजट तैयार करने की कवायत जो हमेशा पुराने समय में सरकारी दफ्तर दियां चार दीवारी तक सीमित सी इन्हां हद्दां नूं पार करते हुए पंजाब के मुख हिस्सेदार भाव पंजाब के लोगों तक पहुँच की गई सारे वर्गों के लोगों उद्योगपतियां व्यापारक जथेबंदियों के नुमाइंदियां नौजवानों और औरतों वालों सुझाव पेश किए गए। मैं दसते खुशी हो रही है कि यह बजट में पंजाब के लोगों इच्छावां शामिल हैं। यह बजट एक जनता द्वारा तैयार किया जनता का बजट है सर। माननीय स्पीकर साहब मैं ये दसद बड़ी खुशी हो रही है कि सानू जो असं बजट तैयार कर रहे थे तो उस समय 20,384 सुझाव साडे पोर्टल से माननीय मुख्यमंत्री साहब को फाइनेंस डिपार्टमेंट को ईमेलों के राही चिट्ठियों के राही मेमोरेंडमों के राही प्राप्त हुए। इन्हों बहुत बड़ी गल स्पीकर साहब कि 72.7% सुझाव जोड़े से वो पंजाब के पुरशों प्राप्त हुए और 27.3% फीसदी सुझाव माननीय स्पीकर साहब पंजाब औरतां साडियां मामा भैणां ने इस बजट में 27.3% सुझाव फर्स्ट टाइम पंजाब दियां साडियां मामा भैणां ने इस बजट में दिते। मैं साडियां मामा भैणां दा इस एक्सरसाइज में भाग लैण लई दिलों धन्नवाद करदा हाँ। इस बजट नूं लोकां दियां उम्मीदां नूं होर बरीकी नाल समझण लई जिला पद्धरी मीटिंगां कीतियां गईआं। स्पीकर साहब लगभग 23 जिलों में जिन्हां विचों लुधियाणा पटियाला फाजिलका बठिंडा मंडी गोबिंदगढ़ बटाला संगरूर अमृतसर तो बहुत भरमा हुंगारा सानू मिलिया। स्पीकर साहब इस साल दे साडे आम आदमी पार्टी दे सरकार दे पहले बजट ध्यान तीन पक्षी होगा अर्थात बिगड़दे वित्तीय हालातों नू बहाल करना अते अपने मालिए नू बधा के करजे नू घट करना अपने मालिए नू बधा के करजे नू घट करना। स्पीकर साहब इस तरह जनतक फंडां दी प्रभावशाली अते कुशल वरतों नू यकीनी बना के फजूल खर्चिया नू घटा के अते मौजूदा स्कीमां नू सुधार के गुड गवर्नेंस के वादे नू पूरा करना। स्पीकर साहब तीजा सब तो अहम समाज दीआं दो बुनियादी लोड़ां एजुकेशन ते हैल्थ सेहत अते सिक्ख्या ते ध्यान केंद्रित करना जिन्ना बिना मैं समझना कि एक मनुख अधूरा है। इन्हां तिन्नां दे उत्ते साडी सरकार दा फोकस रहेगा। मैं हुण इस अजीम सदन नूं दसना चाहुंदा हाँ कि साल 2022-23 बजट विच साडे राज दे वित्ती तत्त शामिल हन। सरकार दा नजरिया लोकतंत्र दे बुनियादी सिद्धांत लोकां दी लोकां द्वारा ते लोकां लई खरा उतरदा है। मानजो स्पीकर साहब बीते शनिवार